नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए CRPF की तरफ से जो भर्ती निकली है कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल की, उसके बारे में दोस्तों फुल डिटेल्स। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आप, ये 2020 की भर्ती है, यहाँ पर फरवरी 2020 में भर्ती होनी है और कॉन्स्टेबल एंड हेड कॉन्स्टेबल दोनों ही पदों पर भर्ती होनी है। दोस्तों एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल होगी, तो अगर आप 18 से 25 साल के बीच में हैं, यानी कि आपकी एज 18 से 25 साल है, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता दोस्तों यहाँ पर ओनली 10th पास होगी और महिला एवं पुरुष किसी भी इंडिया के स्टेट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आप महिला हैं या पुरुष हैं, मेल या फीमेल, इंडिया के किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, आगे मैं इस वीडियो में बताऊँगा आपके लिए इस भर्ती से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं CRPF हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2020 1412 पोस्ट होंगे दोस्तों यहाँ पर, और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कैसे फिलअप करने होंगे वो मैं आपके लिए आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो CRPF की हेड कांस्टेबल की भर्ती निकली है दोस्तों 2020 में। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की, तो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 1412 होंगी, यानी कि CRPF हेड कांस्टेबल की जो भर्ती निकली है उसके लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, 1412 पोस्ट पर CRPF भर्ती करने वाली है। पोस्ट नेम दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर बता देता हूं, पोस्ट नेम यहां पर होगी आपकी हेड कांस्टेबल की। तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों CRPF में हेड कांस्टेबल के तौर पर इनरोलमेंट लेने का। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए बता दूँ फीमेल और मेल के लिए ये 1412 जो पोस्ट हैं वो कितनी फीमेल को होंगी इसमें और कितनी मेल के लिए होंगी। तो दोस्तों 1331 पोस्ट यहाँ पर मेल के लिए होंगी और 81 पोस्ट होंगी यहाँ पर फीमेल के लिए। तो यहाँ पर फीमेल के लिए थोड़ी सी कम पोस्ट दी हुई है दोस्तों यहाँ पर मेल की अपेक्षा, तो मेल को 1331 और फीमेल के लिए 81 पोस्ट होंगी। टोटल दोस्तों यहाँ पर 1412 पोस्ट पर हेड कांस्टेबल की भर्ती होनी है। यहाँ पर अभी मैं 1331 का दोस्तों आपके लिए कैटेगरी वाइज बता देता हूँ। तो जनरल के लिए 1031 पोस्ट हैं, SC के लिए 200 और ST के लिए 100 पोस्ट हैं। इसी तरह से फीमेल में दोस्तों आप देखेंगे तो जनरल के लिए 81 में से 63 हैं, SC के लिए 12 और ST के लिए 6 पोस्ट होंगे। हु कैन अप्लाई दोस्तों आप यहां देख सकते हैं, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स मेल एंड फीमेल, तो मतलब आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप महिला या पुरुष, यानी कि मेल या फीमेल जो भी हैं, आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन होगी आपकी ऑल ओवर इंडिया, मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर की बात करें दोस्तों, तो एग्जाम सेंटर भी आपका ऑल ओवर इंडिया होगा, मतलब इंडिया के किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपका जो एग्जाम है वो लिया जा सकता है। तो CRPF हेड कांस्टेबल की जो पे स्केल होगा दोस्तों, पे स्केल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। पे स्केल होगा आपका 25,500 रुपये से 81,100 रुपये पर मंथ का, मतलब 25,500 रुपये से 81,100 रुपये पर मंथ का होगा। इसके ऊपर दोस्तों आपको काफ़ी अलाउंसेस वगैरह भी मिलते हैं, तो जिससे आपकी जो पे स्केल होगी वो बहुत ही हाई पहुंच जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स एज लिमिट शुड बी 18 से 32 साल, तो अगर आपकी एज 18 से 32 साल है दोस्तों, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिट भी यहाँ पर बहुत अच्छी दी हुई है दोस्तों, क्योंकि ये हेड कॉन्स्टेबल की भर्ती है, यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। 18 से 25 साल मैंने बताया था पहले, तो यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों। यहाँ पर जो एज लिमिट है आपकी वो 18 से 32 साल है, क्योंकि दोस्तों ये हेड कांस्टेबल की भर्ती है, तो हेड कांस्टेबल की भर्ती के लिए एज लिमिट कुछ एक्स्ट्रा दी जाती है। उसके बाद में आपके लिए 5 साल SC ST वालों के लिए और OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल मिलेगा। तो दोस्तों फॉर मेल कैंडिडेट्स यहाँ पर हाइट होगी दोस्तों आपके मेल कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर और हिल एरिया कैंडिडेट्स हैं जो मेल के, उनके लिए 165 सेंटीमीटर, मतलब आप किसी हिल एरिया से अगर संबंधित हैं, हिल एरिया के रहने वाले हैं, तो आपके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट की आवश्यकता होगी। नॉर्थ ईस्ट रीजन के दोस्तों आपके लिए हाइट होगी 165 सेंटीमीटर। तो अगर आप नहीं जानते हैं कि आप किस रीजन से संबंधित हैं, किस रीजन में रहने वाले हैं, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जिससे मैं आपको बता दूंगा कि आप किस रीजन के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो भी कैंडिडेट्स होंगे, अप्लाई कर रहे हैं जो, उनके लिए भी हाइट 165 सेंटीमीटर ही होनी अनिवार्य होगी। तो यहाँ पर दोस्तों फॉर मेल कैंडिडेट्स जनरल के लिए 157 सेंटीमीटर एंड यहाँ पर दोस्तों फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल के लिए 157 सेंटीमीटर और यहाँ पे जनरल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर और हिल एरिया के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको 155 सेंटीमीटर। यहाँ पर दोस्तों ये फीमेल के लिए है, ये मेल के लिए है।
तो यहाँ पर फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रनिंग होगी 100 मीटर रेस इन 16 सेकंड, मतलब आपको 100 मीटर का एक स्प्रिंट लगाना होगा दोस्तों, जो कि 16 सेकंड में आपको पूरा करना होगा। 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की रनिंग होगी, जो कि आपके लिए 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी अनिवार्य होगी। लॉन्ग जंप आपकी 12 फीट 3 इंच 12 फीट होगी, जिसमें आपको 3 चांस मिलेंगे, और हाई जंप आपकी 9 फीट 9 इंच होगी, जिसमें आपके लिए 3 चांस मिलेंगे। फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर स्प्रिंट होगा 18 सेकंड में, जो कि आपको पूरा करना होगा, और 800 मीटर रेस होगी, जो कि आपको 4 मिनट में पूरी करनी होगी। लॉन्ग जंप आपकी होगी 9 फीट, आपके लिए इसके लिए 3 चांस मिलेंगे, और हाई जंप होगी आपकी 3 फीट, जिसके लिए आपके लिए 3 चांस दिए जाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, यहाँ पर 12th पास होना अनिवार्य होगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी होगी वो 12th पास होगी, क्योंकि दोस्तों ये सिपाही की नहीं, हेड कांस्टेबल की भर्ती है, कांस्टेबल की भर्ती नहीं है, इसलिए यहाँ पर 12th पास मांगा जा रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका होगा, सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो इन तीनों में जो भी क्वालिफाई हो जाएंगे उनके लिए दोस्तों कॉल लेटर घर पर आ जाएगा, तो वो इस CRPF के लिए अप्लाई मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। और आपकी जो स्टार्टिंग डेट है दोस्तों, 7 फरवरी 2020 से आपकी जो एप्लीकेशन स्टार्टिंग फीस, एप्लीकेशन स्टार्ट करने की मतलब फिलअप करने की जो डेट है वो 7 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है, और जो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस 6 मार्च 2020 है। रिटर्न एग्जाम आपका होगा 19 अप्रैल 2020 के लिए दोस्तों। तो ये थे दोस्तों इस वीडियो में कुछ CRPF के हेड कांस्टेबल की भर्ती के बारे में जानकारी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आपके काम की वीडियो होगी। तो दोस्तों मैं अपने चैनल पर इसी तरह से जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड जॉब नोटिफिकेशंस की वीडियोस लेकर आता रहता हूं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आपने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे और आप रहें गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन करंट अफेयर्स से अप टू डेट। तो चलिए दोस्तों फिनिश करते हैं आज की वीडियो, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया होगा। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।